बेंगलोर में रहते हैं? लवेरिया में आओ, इनसे कह रही हो कुल देवताओं की पूजा इनको करनी पड़ेगी, जो बेंगलोर वाली है बहू उनको कुल देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, उन्हीं कुल देवताओं की नाराजगी के कारण संतति योग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि लवेरिया विवाह है ना, उनको श्रृंगार चढ़ाना है, 108 मंगुओं की माला चढ़ानी है भगवती देवी को, श्रृंगार पूरा, श्रृंगार में वही चुनरी वगैरह पूरा श्रृंगार देना है, तो धाम आ जाएंगे, हम उपाय कर देंगे, बालाजी दया करेंगे, उनका वंश चल जाएगा, चिंता तुम छोड़ दो। बंबई वाली बिटिया को कह दियो गुरुजी ने बुलाया है, 4 महीने बाद उनके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तेज गति पकड़ेंगे, लेकिन बागेश्वर धाम और बालाजी का नियम शुरू कर दे वो, उनके लिए हम एक कवच दे देंगे, तुम्हारे शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा लगा दे देंगे, नाती की अर्जी धाम पर स्वीकार करवा दे देंगे, जो शांत हुआ है उसके बारे में तो अब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लौट करके ऐसा कोई उपद्रव ना हो गए, ऐसा आशीर्वाद है। बोली माता तुम्हारे शंकर जी ने ठीक तो, अब तुम शंकर जी हम मोहना चलाए पलटा सीटा ना कहता जी हमारे हमारे सदा सुखी अब धाम आई हो साइड में आ जा साइड में पेशी कर गयो वाह वाह वही बात खुश रहो राम साधु जी सीताराम गुरु जी सीताराम चश्मा लगाए हुए ये जो बहन जी विराजमान है पहली ही दिन है। हाँ हाँ बहन खड़ी हो आ जा आपके पीछे वाली माता बहन जी जी बैठ जा पहले से ना कटो बैठ जाओ तुम्हें राम नाम का जप करो बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे बालाजी बड़े दयालु हैं निश्चित रूप से तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर देंगे अगली अर्जी पंडाल के बाहर बाएं हाथ में जो मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है बहुत दूरी पर मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है तुम आ जाओ तुम्हारी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है ठीक वो कहा है तुम्हारे में सबसे बड़ी चिराग बन की हुई है कहां से खास ग्वालियर पहली बार आना नहीं तुमने सोची थी कुछ चाहिए ही नहीं था बस देखने आई थी दर्शन करने आई थी जरा देख लें थोड़ा आगे बैठ जाएंगे देखते हैं कैसी कथा होती है कैसे दरबार लगता है लोगों के बारे में लोगों से बड़ा सुना था बागेश्वर बाबा ऐसे हैं वैसे हैं मन की जान लेते हैं बड़ा बता देते हैं इसी चक्कर में माई वाई फाई वेरी हाई फाई माइक से बोलो है हाई फाई के नहीं है बहुत हाई फाई राम कुछ भी नहीं बोलेंगे माइक से आप डरो मत साथ में कोई आएगा बुलाना चाहोगे दो धाम कब पहुंचना है कन्या विवाह है 26 फरवरी का उसमें आना माँ को भी कह देना और कौन आया Yeah,
बोले क्या बात है, फिर भी कुछ अब पूछ सकते हो, एक दो बातें हैं तुम्हारे में। विदाउट माइक के भी पूछ सकते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। भाई 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 मेरी आई भाई खुश रहो, हाँ आ गए बहुत, खड़े हो जाओ दोनों ऊपर वाले मंच पे आओ, हाँ आप लेके आओ, आप दो लोग के आए ना, एक एक तो दोनों लोग मंच पे आए, अपने अपने लोगों को लेके आए, तुम वैसे ही चोट खाए धरे हो, यहीं खड़े रहना, वो भेजेंगे इसको भेजेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, हाँ ठीक है वही ठीक है, उनको आने देना, देने की बात करो जी, हमारे पास दो पर्चे हैं, आप लोग एक एक लोगों को लेके आए हैं, कोई भी एक आप दोनों में से निर्णय करके पहले भेजें, सात वाले ये हैं, इन्हीं को लेके आए आप, फाइनल है, इन्हीं दो के बारे में आपको पूछवाना है, आप लोग इन्हीं दो के बारे में पूछवाना चाहते हैं दोनों,